ये हाल देखो, सामने बारिश हो रही है और बच्चे रेनकोट पहन के घूम रहे हैं। भाई बारिश इतनी तेज शुरू हो गई है कि पूछो मत यार, छाता होने के बावजूद भी घुटने के नीचे भीग जा रहा है। थाने रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखिए, किस तरह से लोग बारिश में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोगों के हाथों में छाता है। भाई इधर देखो भाई, सभी लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े होके अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। इधर देखो भाई, स्टेशन पे कितनी भीड़ है, लेडीज और जेंट्स सभी लोग हैं, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं जॉब पे जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं मुंबई में रहने वाले लोगों की स्ट्रगल भरी ज़िंदगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले दो दिनों से मुंबई में बहुत ही भारी बारिश हो रही है और इन बारिश में लोग किस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई के ऑटो, मुंबई की बसों में सफ़र कर रहे हैं अपने जॉब पे, अपने काम पे जाने के लिए। किस तरह से लोग इन बारिश में सब्जी की दुकानें या मोबाइल की दुकानें या कोई भी धंधा हो गया उसको लोग लगा कर बैठे हुए हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, अगर आप लोग मुंबई में बारिश के टाइम में आ जाओगे तो आप लोग घरों से निकलोगे नहीं, लेकिन अगर निकल के इन लोगों का स्ट्रगल देख लिया आप लोगों ने ना, तो आप लोग भी मोटिवेट हो जाओगे अपने काम के प्रति। भाई भीगते हुए लोग यहाँ पर दुकानें लगाए हुए हैं, अपने भीग रहे हैं, ग्राहक को सामान दे रहे हैं और इतनी भारी बारिश हो रही है। लेकिन भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई भी अपना स्कूल वगैरह गैप नहीं करता है कितनी भी बारिश हो जाए। और आपको तो पता है कि मुंबई में एक एक दो दो महीने इसी तरह से बारिश होती रहती है, और भाई एक दिन मुंबई में बारिश हो जाए ना तो कई सारे ऐसे मुंबई के जगह हैं जो रेलवे पटरियों से लेकर पूरा भर जाता है। भाई पूरा भर जाता है, कई सारी लोकल ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, कई सारे एरिया में पूरा पानी लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को पूरा लाइफ यहाँ का दिखाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल हमारे सामने का क्या नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं भाई, तो चलो आपको नज़ारा पूरा दिखाते चलते हैं। झोपड़पट्टियों के रास्ते निकलेंगे और आगे तक पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये हाल देखो, सामने बारिश हो रही है और बच्चे रेनकोट पहन के घूम रहे हैं भाई, और इधर सभी लोगों के हाथों में छाता, किनारे किनारे लोगों का रूम और बीच में हाल देखो कितना तेज पानी गिर रहा है। इस तरह से मुंबई वासियों की ज़िंदगी भाई बारिश में। देखो मैं भी निकला हूँ भाई बाहर अभी, सामने देखो ये रास्ता है, इसी रास्ते से सभी लोग जाते आते हैं। दोनों साइड लोगों के रूम हैं, देखो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं भाई, इस तरह से लोगों की गाड़ियाँ में सब भीगती रहती हैं बारिश हो या कुछ भी हो। इधर लोग भी बाहर हैं खड़े, सभी लोग भाई बारिश से परेशान तो होते हैं लेकिन क्या करें। सामने देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो उधर देखो बच्चों को लोग लेकर जा रहे हैं घर पे, उनका स्कूल ख़त्म हो गया है टाइमिंग। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर कई टाइम में बच्चों का क्लास चलता है, अलग अलग टाइम होता है भाई सबका। सामने देखो यहाँ पर ये फैंकी वाली दुकानें सामने लग गई हैं भाई, साइड में आपको फ्रूट की सब्जियों की दुकानें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल कई सारे लोग हमी को देख रहे हैं क्योंकि मैं बारिश में वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो किस तरह से ऊपर से पॉलिथीन लगा के, छाता लगा के लोग अपनी दुकानों को ढके हैं और अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं। देखो इधर भी देखो सेम वही हाल है भाई, अभी हम लोग मार्केट के पास पहुँचने वाले हैं। इधर देखो लाइन से अगर आप लोग देखोगे ना फुटपाथ पे, तो फुटपाथ पे सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी जो सब्जियों की फ्रूट की दुकानें हैं, और किस तरह से लोग ऊपर से पॉलिथीन डाल के, छाता डाल के, रेनकोट पहन के अपना धंधा चला रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे होंगे भाई। ये है मुलुंड स्टेशन के बाहर का नज़ारा, इधर देखो सैंडविच वाली दुकान, इधर भी भाई देख रहे हो क्या बात है भाई। अगर ये सारी चीज़ें आप देखोगे इतनी बारिश में, सोचो मोटिवेशन आपको मिलेगा कि नहीं। भाई कितनी भी बारिश हो हमको काम करना ही करना है। दोनों साइड देखो भाई यही हाल है, इधर जूस वगैरह की दुकान है, उधर भी फ्रेंकी की, ये है मुंबई की दुकानों का हाल। बारिश कितना भी हो धंधा हमें अपना चलाना है भाई। ये है मुलुंड स्टेशन के बाहर का ऑटो स्टैंड, जहाँ पर लगातार ऑटो लाइन से खड़ी रहती हैं, जो भी स्टेशन से बाहर निकलते हैं जहाँ भी जाना होता है यहाँ से लोग ऑटो पकड़ते हैं और मीटर के हिसाब से लोग जाते हैं। देखो इधर सारी ऑटो खड़ी है। एक चीज़ है भाई, यहाँ से जो
जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। देखो लाइन में सारी ऑटो लगी है, जो आगे है वो आगे जाएगा, जो पीछे है वो पीछे से लाइन में जाएगा। और इस साइड तो पूरा मार्केट लगा हुआ है, बट हमें मार्केट में नहीं जाना है क्योंकि मार्केट में बहुत गर्दी होने वाली है भाई। ये देखो इधर पूरा मार्केट है, ओ माय गॉड, इधर का सामने का नज़ारा देखो भाई, ये है असली मार्केट भाई। सामने देखो क्या हाल है लोगों का, किस तरह से लोग छाता वगैरह लेके अपने काम के लिए निकल पड़े हैं भाई। इधर फ्रूट की दुकान, बेचते रहो भाई बेचते रहो। ये सामने का पूरा व्यू देखो भाई, किस तरह से बारिश हो रही है, और बारिश में भी लोगों का आना जाना, लोगों का काम धंधा चालू है, कुछ भी हो। ये सामने हम आ गए मुलुंड स्टेशन, और बाहर देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑटो लगे हुए दिखाई देंगे, और सबके हाथों में देखो छाता ही छाता नज़र आएगा। एक दो लोग बिना छाते के घूम रहे हैं, बाकी तो सभी लोगों के हाथों में छाता है भाई। और अभी हम लोग यहाँ मुलुंड स्टेशन से चलेंगे कहाँ पे, थाने, और थाने का भी नज़ारा दिखाएंगे बारिश के टाइम में। ये देखो क्या हाल है भाई, देख रहे हो कितनी गर्दी है। और ये सामने मुलुंड स्टेशन देखो, इसके आगे ये पूरी ऑटो खड़ी है, जिसको भी जहाँ जाना रहता है तुरंत आता है ऑटो में बैठता है, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम मुलुंड स्टेशन के अंदर आ गए हैं, और इस ट्रेन से हम चलने वाले हैं कहाँ पे भाई, स्टेशन थाने के लिए। और यहाँ से निकलेंगे भाई हम, तो थाने का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे। देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर उतर रहे हैं लोकल ट्रेनों से, तो चलो हम भी भाई अंदर चलते हैं पहले। देखो सबके हाथों में इधर भी छाता भाई, ये मुलुंड स्टेशन, यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको थाने स्टेशन के पास का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम थाने रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर बस स्टैंड है, और ये है यहाँ का बस स्टैंड। ये सारी क्राउड ना बस के इंतज़ार के लिए खड़ी है, यहाँ पर लाइन से बसें आती रहती हैं भाई। और सोचो बस के लिए इतनी भीड़ है, लोकल ट्रेनों के लिए अलग भीड़ रहती है, टैक्सी ऑटो के लिए अलग भीड़ रहता है। देखो ये थाने रेलवे स्टेशन की ओवरब्रिज के ऊपर अभी हम खड़े हैं। इधर देखो भाई सभी लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े होके अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो वो दूसरी लाइन है, इधर दूसरी लाइन लगी है, मेरे सामने दूसरी लाइन लगी है, और ये सामने बसें आ रही हैं। फिर लगातार लोग अपनी अपनी बसों में बैठ के यहाँ से निकल रहे हैं। मुंबई की बसों में ये हाल है, लोकल ट्रेनों में तो अलग ही हाल है भाई। जिस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन दो दो मिनट पर आती रहती है यात्रियों के लिए, उसी तरह से मुंबई की ये लोकल बसें भी लगातार आ रही हैं। देखिए पूरा लाइन से यहाँ से लेके वहाँ तक बसों का मेला लगा हुआ है, और आगे लोग पूरा इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बसों का। तो ये है मुंबई की बसों का नज़ारा। सोचिए लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है, और इतना बस वगैरह चलने के बाद भी, इतना ऑटो टैक्सी होने के बाद भी। इधर देखो भाई ये है यहाँ का नज़ारा, थोड़ा सा आगे का नज़ारा दिखाऊं जूम करके, तो देखो इधर नीचे लोग दुकानों पे खा पी रहे हैं, इधर ऑटो स्टैंड है और ये बस स्टैंड। थोड़ा सा आगे आने पे और ब्रिज पे भी हम खड़े हैं, और नीचे देखो क्या हाल है भाई मुंबई वालों का। इधर पूरा लाइन से बसें लगी हैं, ब्रिज के नीचे ऑटो लगे हुए हैं, और भाई ऊपर से देखने में अलग लेवल का नज़ारा दिखाई दे रहा है। सभी लोग छाता लेके भाई सफ़र कर रहे हैं, कोई रेनकोट पहन के सफ़र कर रहा है, तो बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई। देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, अभी हम थाने रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पे ही मौजूद हैं, और यहाँ पर देखो किस तरह से बसें लाइनों में खड़ी रहती हैं, और किस तरह से लोग इन बारिशों में स्ट्रगल करते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं। वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी हो भाई, मुंबई वाले कितना भी बारिश हो जाए वे रुकते नहीं हैं। उधर पीछे देखो सभी लोगों के हाथों में छाता, देखो कितनी भीड़ है। ये थाने स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, और ये ऊपर ओवरब्रिज है। दोस्तों अभी हम फिर से थाने रेलवे स्टेशन से मुलुंड के लिए निकल गए हैं, और थाने रेलवे स्टेशन पे देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है, वो आप लोग देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और सभी लोग बैग आगे टांगे हुए हैं भाई। ये सभी लोग काम पे जाने के लिए स्टेशन पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सभी लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हर एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ना इसी तरह की क्राउड भाई देखने को मिलती रहती है। ये है मुंबई वासियों का हाल बारिश में, देखिए। तो भाई उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बारिश के मौसम में किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से दुकानें वगैरह लगाते हैं, किस तरह से अपना भाई कमाते हैं, सब कुछ दिखाया है।
तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं गाइस इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।